सभी को नमस्कार मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर, जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो लोग किसी समय की कमी की वजह से नहीं जुड़ पाते हैं, वो लोग हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे होंगे, उनका पूरा पूरा लाभ ले रहे होंगे। हाँ सर, साउंड थोड़ा बैकग्राउंड में आ रहा है, जिन भी सर लोगों का वो बैकग्राउंड साउंड बंद कर लेंगे। और आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सर ने पूछा है कि अजय सर ने कि सर मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है। तो देखिए, मैट्रिक्स की ट्रेस बहुत ही सिंपल है। आपके मैट्रिक्स को जब आप बनाते हैं तो उसमें दो डायगोनल मिलते हैं, एक मिलता है लीडिंग डायगोनल जो मेल डायगोनल होता है, और एक होता है ट्रेलिंग डायगोनल जो कि दूसरा डायगोनल होता है। तो मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब होता है कि जो आपका जो लीडिंग डायगोनल है उसके सभी एलिमेंटों का योग जो बनता है वो कहलाता है मैट्रिक्स की ट्रेस। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स की ट्रेस क्या हुआ करती है। एक सेकंड दीजिए, ये स्टार्ट कर दूँ जी। चलिए, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो मित्रों, जो मैट्रिक्स के ये जो डायगोनल आपका बन रहा है, ये वाला जिसको हम कहते हैं AII, या इसी को कहते हैं हम AJJ, इसके सभी एलिमेंटों का जो सम होता है इसको मैट्रिक्स की ट्रेस कहा जाता है। यही इसका आंसर है। तो सर, मैट्रिक्स की ट्रेस निकालने को आएगा तो तीनों एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा, या दोनों एलिमेंट है अगर 2x2 का है तो उन एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वो मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाएगी। चलिए, दूसरा सवाल आज जो आपने पूछा है उसको करने का प्रयास करते हैं। ट्रेस की एक फिक्स वैल्यू होती है सर? नहीं सर, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है सर। इसको तो जो ऐसा क्वेश्चन आए, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए फिक्स वैल्यू होगी ट्रेस के लिए? नहीं, हाँ, पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ना। हाँ सर, तो जैसा मैट्रिक्स होगा वैसे उसकी वैल्यू बदल जाएगी, है ना सर? अगर मैट्रिक्स बदलेगा तो वैल्यू बदल जाएगी सर। कोई ट्रेस फिक्स मतलब ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स की ट्रेस अलग अलग होती है। ठीक है सर, ट्रेसिंग से मतलब होता है, जो ट्रेसिंग होती है। हाँ, ट्रेस मतलब तीनों का काम वो है, और दूसरा जो होता है इसका एक मैट्रिक्स की रैंक हुआ करती। तो आप BSc पढ़े होंगे मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। रैंक पढ़े सर। हाँ, तो रैंक भी अपने सिलेबस में है मैट्रिक्स का, है ना? वो अभी इस्लान का इस्लान फॉर्म से निकलता है ना? इस्लान फॉर्म से निकलता है जी सर। हाँ सर, डायगोनल फॉर्म, इस्लान फॉर्म, डिटरमिनेंट, तीन मेथड होते हैं सर, तो अपन वो बाद में पढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल सर आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपने जो क्वेश्चन हमें भेजा भैया वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है 1/n, और ब्रैकेट में है n+1, n+2, n+3, अप टू n+n की होल पावर 1/n। अब आप ये देखिए कि यहाँ से एक बार n कॉमन आएगा क्योंकि n+1 है, यहाँ से दूसरी बार कॉमन आएगा क्योंकि ये दूसरा टर्म है, और यहाँ से तीसरी बार, और यहाँ से लास्ट बार आएगा nवा टर्म है। ठीक है, तो यदि मैं कॉमन ले लूँ इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा n की पावर n। क्यों भैया? क्योंकि n मैंने इससे भी उठाया, n मैंने इससे भी कॉमन उठाया, n मैंने इससे भी कॉमन उठाया, और लास्ट में जो nवा टर्म है उससे भी कॉमन उठाया। क्यों सर? हाँ या ना? जी सर। तो भैया कितना बच गया? 1+1/n, 1+2/n, 1+3/n, अप टू चल करके ये जो हो जाएगा लास्ट में अपने पास कितना है देखा जाए तो n कॉमन ले लिया दोनों पक्षों से। तो यदि मैंने n दोनों पक्षों से कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1+1, ये हो रहा है, और होल पावर कितना आएगा यहाँ पे? अब इस चीज़ को फील करिए कि देखिए, यहाँ पे nवा टर्म n आ रहा है तो इसके पीछे वाला टर्म क्या आएगा? इसके पीछे वाला टर्म आएगा n+n-1,
एन प्लस एन माइनस वन, यानी कि टू एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे जो अपने पास आया है टू आया, यहाँ पे अपने पास आ गया है टू, और यदि इसके पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टू प्लस वन बाई एन। इस तरीके से एक्सपेंशन बनेगी, और होल पावर कितना भैया, वन बाई एन है। अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई में है, अब देखना है हमारे पास कि सर इसका सॉल्व करेंगे तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये n पावर है, ये n पावर है, तो यदि देखें तो n बाहर निकल करके आएगा क्योंकि nth रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, और n अपॉन n से फाइनली ये n कैंसिल हो जाएगा, और इन्फिनिटी रख देंगे यदि तो सर ये वो हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, अगला टर्म भी सर वन। और सर इसके ऑप्शंस मिल सकते हैं क्या, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसके ऑप्शन उपलब्ध हैं क्या? जी 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 बताइए सर। इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है सर? इसका आंसर लॉग में आया है। अच्छा लॉग में आया इसका आंसर, नहीं फोर फोर बाई ई आया है इसे सर, वन बाई ये जो आर बाई एक्स करके ना उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आप उसमें बता रहे थे। चलिए उससे करके देखते हैं, पहले तो अपन ने इन्फिनिटी लिमिट लगा करके देखी है, अब अगर मन की ट्रिक लगाते हैं सर तो देखिए मन की ट्रिक से लगा करके देखते हैं कितना हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन दिया है वन बाई एन एन प्लस वन एन प्लस टू, इसको पहले छोटा करके लिख लीजिए फिर एन प्लस थ्री अप टू अप टू अप टू अप टू एन प्लस एन का होल पावर वन बाई एन। सर छोटा करके लिखने का मतलब कैसे लिखोगे बताओ? जो ये वाला एक लिमिट है जो सम के रूप में समेशन लगा के जो लिखते थे, नहीं सर लिमिट एज ए सम का कंसेप्ट उसमें थोड़ा ना लगेगा सर। अच्छा आर बाई एन का फॉर्म बोल रहे हो आप? जी, जी, वो जी। जो मैंने आर बाई एन कराया था। अच्छा 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 सारे टर्म्स का सम जो है वो तो यहाँ पे जो अपने पास में ये एक्चुअली है एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस एन, तो सर ये तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, सम में कैसे जाएगा सर? ये सम में जाने की चॉइस ही नहीं सर इसमें, इसमें थोड़ा लॉग ले लीजिए तब चला। हाँ अगर लॉग ले लेंगे तो चला जाएगा। चलिए तो इसको वाई ले लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यदि मैं इसका लॉग ले लूँ तो लॉग वाई इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा सर, क्योंकि लॉग लेने पर वन बाई एन ये नीचे भी आएगा, ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो वन बाई एन स्क्वायर और ये लॉग एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री और अप टू, सॉरी ये प्लस में जाएगा यार, ये लॉग के सारे टर्म प्लस में हो जाएंगे। ओके तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एन प्लस टू प्लस लॉग ऑफ एन प्लस थ्री प्लस लॉग ऑफ एन प्लस एन, ये तो हो गया सर। अब यदि मैं अंदर से n कॉमन ले लूँ, सभी से यदि मैं अंदर से n कॉमन ले लूँ तो log n प्लस वन अपॉन n, तो यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा फॉर्म में। एक मिनट सर, पहले यदि मैं सिग्मा फॉर्म में लिखूँ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन n स्क्वायर, ठीक है सर, और सिग्मा log ऑफ एन प्लस आर, ठीक है सर, और आर की वैल्यू वन से लेके एन तक यहाँ पे टेंड हो रही है, ये हो गया। अब सर यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना पड़ता है, आर बाई एन बनाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर यहाँ से एन अंदर से कॉमन लेना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर, है ना, वन अपॉन एन स्क्वायर, और यदि मैं देखूं इसको तो log ऑफ, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर बाई एन, ये हो गया log कॉमन ले लिया यदि मैंने 1 से
तो 1 प्लस आर बाई एन समेशन 1 से लेके एन, ये हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं सर, तो दोनों मल्टीप्लाई में यदि हैं तो लॉग लॉग एन प्लस 1 बाई आर बाई एन हो जाएगा, है ना। लॉग एन प्लस एन लगाइए हो जाएगा ना। हाँ हाँ वही 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 सर, तो प्लस चला जाएगा। इसको थोड़ा कॉपी कर ले, अगले पेज में चलते हैं। चलिए सर, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस r बाई n। चलिए सर ये है। अब देखिए सर, ये तो कांस्टेंट है, लॉग एन जो है, लॉग एन जो है सर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन कहीं ना कहीं तक तो मूव करेगा और आर की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इस वाले में तो सर अपने पास लॉग अप्लाई होगा, तो किस तरीके से अप्लाई होगा। सर कुछ गड़बड़ हो रही है सर। हाँ बताइए। आपने स्टार्टिंग में जो किया था, हाँ, और जो n टू पावर n को बाहर कर लिया था, हाँ हाँ हाँ, और फिर अंदर जो बन गया था, अब हाँ, इसके बाद आप लॉग लीजिए। अच्छा स्टार्टिंग में जो हमने किया था ये बन गया था, तो अच्छा हाँ ये बन गया था। अच्छा अब यहाँ के बाद अब आप लॉग ले लीजिए। चलिए ये भी करके देख लेते हैं सर। यदि सर हमने यहाँ तक फंक्शन को रोका था, तो ये फंक्शन एक्चुअली यहाँ तक रुक करके लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन की पावर एन कैंसिल हो चुका है सर, तो एक्चुअली ये बचा है 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन और सर एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस एन बाई एन प्लस सॉरी अप टू 1 प्लस आई कैन राइट एन बाई एन। ठीक है, अब यदि लॉग ले लेता हूँ मैं इस पूरे को वाई मान सर, लेता हूँ। अभी पावर लगा लीजिए आप अपने, क्यों सर? एन की पावर रहेगी। हाँ 1 अपॉन एन की पावर रहेगी। थैंक यू सर। अब यदि देखिए अब लॉग ले लेते हैं, बिल्कुल सही सर। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये सीधा सीधा सिग्मा में चला जाएगा, यानी कि सिग्मा लॉग ऑफ 1 प्लस आर बाई एन और आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक जा रही है, क्यों सर, है ना। जी सर। ओके और 1 बाई एन, अब तो सरल हो गया भाई, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अच्छा यहाँ पे कैंसिल कर दिए, कैसे 1 बाई एन वन पावर एन कैंसिल कैंसिल हो गया। तो सुनिए सुनिए, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। हाँ नहीं नहीं 1 बाई एन और एन की पावर एन जो हुआ कैंसिल हुआ, तो पावर कैंसिल हुआ तो एन की पावर एन हुआ। सर 1 बाई एन कैंसे कैंसिल हुआ, आप ये बोल रहे हैं। नहीं 1 बाई एन तो कैंसिल नहीं हुआ, 1 बाई एन बचा हुआ है सर। अब ये देखो, हाँ अच्छा आप ये पूछ रहे हो बाहर वाला 1 बाई एन। सर जब ये पावर एन से कैंसिल हो करके एन का पावर एन है और 1 बाई एन से पावर कैंसिल होगा, तो एन बचेगा नहीं बचेगा बाहर, बताओ। जी जी, तो एन निकल के आएगा ना बाहर भैया, तो वो एन से नीचे वाला एन कैंसिल हो गया है। जी जी चलिए, अब देखिए अब लॉग वाई हो गया है। अब इसके बाद देखिए लॉग वाई इक्वल टू, अब देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एन क्या बनता है, डी एक्स बनता है, डी एक्स बनता है और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स, है ना 1 प्लस एक्स और वो भी लॉग में, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और इंटीग्रेशन देखिए आर की वैल्यू 1 है और एन टेंस टू इन्फिनिटी है और हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना है आर बाई एन है, तो सबसे पहले आप आर की वैल्यू एन डाल दीजिए, आर की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो पहला हो जाएगा 1 अपॉन एन मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कि 0, तो लोअर लिमिट कितना बनेगा 0 बनेगा। और दूसरा देखिए, और दूसरा है 1 बाई आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर बाई एन है, तो सेकेंड लिमिट है एन अपॉन एन
और 0 to 1। चलिए तो log y इज इक्वल टू 0 से लेके 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो कैसा रहेगा सेकेंड फंक्शन 1 लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो log y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये कोई मैसेज आ रहा है 4 बाई ई लिखे हाँ मैडम, अगर कोई मेथड हो किसी के पास तो प्लीज़ आंसर बताइएगा, मतलब सॉल्व करेंगे उसको अपन। और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/1 प्लस एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन, और लिमिट है भैया अपने पास में कितनी 0 से लेके 1। तो log y इक्वल टू देखिए क्या है सर, इसको क्रॉप कर लेता हूँ log y इक्वल्स टू, दिनेश कुमार जी आपको मैं कई बार बाहर कर चुका हूँ, आपको क्लास में बैठना नहीं आता है क्या दिनेश कुमार जी? ऐसे क्लास में आना चाहिए आपको, बताइए। वीडियो बंद कर लीजिए भाई। हाँ या तो वीडियो बंद कर लीजिए, सभी लोग क्लास में जुड़ते हैं, आपका लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो ऑफ कर लीजिए सर आप, और मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ फिर भी आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ या तो वीडियो बंद रखिए ना सर, वीडियो का तो कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा भी वीडियो बंद है। चलिए स्क्रीन पे आइए सभी लोग। सर म्यूट कर लीजिए और, हाँ जी सर, हाँ जी। तो देखिए सर ये हो गया, अब यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 1 चल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं सर। देखिए पहला लिमिट 0 to 1 है, वो तो सॉल्व हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू ये हो गया x log 1 प्लस x ये है, और माइनस सर देखिए ये x है तो हम 1 प्लस x करते हैं और माइनस 1 करते हैं, और अपॉन में 1 प्लस एक्स कर दिया, एक जोड़ के एक माइनस कर दिया एक्स में, और यहाँ पे डी एक्स है और लिमिट 0 से लेके 1। चलिए तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे तो 1 प्लस एक्स से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 का डी एक्स बन जाएगा, और माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो भैया ये जो है ये अपने पास हो जाएगा डी एक्स, तो log y इज इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स। चलिए लिमिट पुट करते हैं, log है 0 से लेके 1। तो देखिए भैया सबसे पहले अपर लिमिट आएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू log 2 माइनस 1 प्लस log 2, और 0 पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी 0 ये भी 0 और log 1 प्लस 0 हो जाएगा 0, मतलब log 2 यानी log 2 प्लस 2 यानी 2 log 2, log y इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस का 1, log y इक्वल टू log 2 का पावर 2 माइनस का 1। ओके तो ये हो गया log 4 माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू e का पावर log 4 माइनस का 1 होल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e का पावर log 4 माइनस e का पावर सॉरी इंटू e का पावर माइनस 1, e से log कैंसिल हो गया, आंसर 4/e। ऑप्शन क्या 4/e आया था इसका? हाँ जी सर 4/e, तो करेक्ट आंसर इसका 4/e आया है। देखिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट सम लिमिट का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू डायरेक्ट कर दीजिए हो जाएगा, इतना लंबा चल दिए क्या सर? लास्ट वाले में, हाँ लास्ट वाले में जो log 2 का स्क्वायर माइनस 1 है वहीं से लिख दीजिए log 2 का स्क्वायर अपॉन log e लिख दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन e लिख दीजिए, वहीं से log छोड़ दीजिए y इज इक्वल टू, तो लंबा चला।
लॉग वाई इज इक्वल टू जो लॉग टू का स्क्वायर माइनस वन है, तो वहीं से लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग टू का स्क्वायर। हाँ हाँ अपन ई कर दीजिए। अरे वो सर मैं समझ गया, वो मैंने इसलिए बताया कि जैसे बाकी लोग है ना, किसी को उसके प्रोसेस पता ना हो, उसलिए उसको बताया मैंने डिटेल में, है ना। चलिए सर, तो ये अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया सर क्वेश्चन आया आपका। आया भी है। अच्छा सर, इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है। अब देखिए सर, इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात ये है कि अगर इस क्वेश्चन को हम और आगे ले जा रहे थे, बाद में लॉग ले रहे थे, तो ये दिक्कत कर रहा है। मतलब हमको लॉग सर इसका इसी मोमेंट पे लेना है, वो सेकंड स्टेप है, उसी के बाद इसमें करामात है। हाँ, सेकंड स्टेप ने बस किया सर, बस सर। के बारे में। हाँ, और यहीं पर सब नहीं समझ में आया था। हाँ हाँ जब सर। आप जब आपने n टू पावर n कॉमन लिया था। हाँ हाँ जो सर हैं उन्होंने बताया था कि आप ऐसे करिए, लेकिन अब वो ऑडियो भेज रहे थे तो ऑडियो से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सर कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल होता है सर, क्या है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में खास कर ये चीज़ बहुत होती है, अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ गए तो क्वेश्चन का क्या से क्या हो गया, है ना। ये ऐसा होता है। चलिए फिर भी अच्छी प्रैक्टिस कराई आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। आज पहला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं पोलर फॉर्म से। आज का क्वेश्चन है भैया पोलर फॉर्म बनाना। अब जिन विद्यार्थियों को पोलर फॉर्म की समझ नहीं है, तो हम आपको बता देंगे पोलर फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसकी पूरी समझ डेवलप कर लेंगे। देखिए भैया, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर कहीं भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसके पोलर निर्देशांक, ये एक होता है कार्तीय निर्देशांक होता है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई में ये पता चलता है कि आप एक्स अक्ष में एक्स दूरी चलेंगे और आप वाई अक्ष में वाई दूरी चलेंगे, ये पता चलता है। और यही चीज़ आप पोलर निर्देशांक में रहता है, तो इसमें कहता है मूल बिंदु से दूरी कितनी, उसको बोलते हैं आर, और एक्स अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण कितना है, वो कहलाता है थीटा, और थीटा यानी कहलाता है भैया आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसी में मेन प्रॉब्लम होता है, जो सर्कल कह रहे थे अलग अलग एंगल, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी इसी को कोणांक बोलते हैं। और ये आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होता है। मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे जा सकते हैं प्लस पाई तक, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ जा सकते हैं माइनस पाई तक, ठीक है। अब इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड का शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर ज्ञान नहीं है वो ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, और जिनको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है वो तो शॉर्ट ट्रिक का ज़रूरत नहीं, उनको तो खुद समझ में आ जाता है। देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले निकालना है थीटा। थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ओके। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या देखेंगे, एक्स प्लस आई वाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्लस है, एक्स और वाई खुद में चिन्ह समेटे हुए हैं। हो सकता है एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x खुद में नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में होगा। अगर x y दोनों नेगेटिव हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट आप पॉजिटिव साइड में निकालेंगे थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट भी आप एंटी क्लॉकवाइज साइड में निकालेंगे, ओके। कितना होगा तो देखिए, अब मैं लिखता जाता हूं आपके सामने आर्गुमेंट ऑफ जेड क्वाड्रेंट बाइस। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मापांक वाई बटे एक्स, ये निकाल लो सबसे पहले। अब अगर मान लो आप आर्गुमेंट ऑफ जेड को अल्फा का नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया, अल्फा, जो आपके काम का है अल्फा, तो आप क्या लिखेंगे यहां, अल्फा बराबर थीटा। मतलब पहले क्वाड्रेंट में जो कोणांक होगा वो काहे के बराबर होगा, थीटा के ही बराबर होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में अल्फा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड काहे के बराबर होगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, याद कर लीजिए। तीसरे क्वाड्रेंट में ये काहे के बराबर होगा, जस्ट इसका नेगेटिव, तो माइनस का पाई और प्लस का थीटा। और चौथे क्वाड्रेंट में जस्ट इसका नेगेटिव माइनस अल्फा, यानी चौथे क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो होगा कितना, माइनस थीटा। नोट कर लीजिए, ये ट्रिक बहुत काफ़ी है,
इससे माइनस आप, फाइव का थीटा जो लिखा है आपने, ये हाँ इधर से चलेंगे ना, एक्स डैश हाँ सर्कल हाँ चलेगा हाँ ना। बिल्कुल सर, तभी तो आएगा सर, क्लॉकवाइज तभी तो हुआ, इसका नेगेटिव हुआ ना। आप महसूस करिए, पाई माइनस थीटा का यदि आप नेगेटिव कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस पाई प्लस थीटा आएगा ना, मतलब रोटेशन आपने बदल लिया तभी तो आया ये, है ना। हाँ तो रोटेशन आपने बदल लिया है तभी ऐसा आया हुआ है। चलिए सर, तो अब करते हैं इसका एक एडवांस आया हुआ क्वेश्चन, जो जेई बोल रहा हूँ, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, जेड बराबर -16 अपॉन 1 + i√3 का पोलर फॉर्म लिखिए। इसका पोलर फॉर्म बताने को आया, जेड बराबर -16 1 + i√3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम, है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए, आप इसको रेशलाइज कर दीजिए। इसका -16 अपॉन 1 + i√3 है, गुणे 1 - i√3 ऊपर और 1 - i√3 नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। -16 है, ओके, 1 - i√3 नीचे कितना बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, और 1 का स्क्वायर 1 और इसका 3 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 से काट दीजिए भैया, हो गया कितना, माइनस चार। 120 हाँ सर, 120 पूर्णांक बोल रहे हैं, 120। जी चलिए नहीं, देख, 120 डिग्री। ठीक है सर, देख लेते हैं, 120 डिग्री, ओके सर। तो ये हो गया अपने पास भी भैया, -4, और -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और प्लस का 4√3 i, ये आ गया हमारे पास 4√3 i। देखिए साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो अब इसका सबसे पहले वो निकाल लो, मापांक निकाल लो, बिकॉज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r बराबर हो जाएगा भैया, देखिए -4 का स्क्वायर यानी 16, और 4 दूनी 16, 4 का स्क्वायर 16 तीन 48, तो ये हो गया भैया कितना, 64। तो मापांक कितना आ गया, 8। तो सबसे पहले मापांक तो आ चुका है 8। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, -4 + 4√3 i, -4 + 4√3 i। किससे तुलना करते हैं इसकी, आर आर कॉस थीटा का प्लस आई साइन थीटा से, ठीक ना। इसका हम तुलना करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा से, ये तुलना करते हैं। तो जो मेरा तरीका है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए, तो मॉड होता है 4√3 अपॉन ए, कितना है -4, तो मॉड में माइनस हट गया, 4 से 4 कैंसिल, टेन इनवर्स रूट थ्री बराबर कितना हो गया भैया, π/3, ये हो गया π/3। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था π - θ, π - θ, तो π - π/3 यानी कितना आ गया है, 2π/3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए तो r कितना आया भाई, 8, और ब्रैकेट में है ना cos π/2π/3 प्लस i sin 2π/3। नोट कर लीजिए, बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया। जी सर, 8 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। अब जो वर्किंग में जाना चाहते हैं तो वो ये देखिए, जो इसकी वर्किंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका वर्किंग एक बहुत बढ़िया पार्ट है, जो इसकी वर्किंग में जाना चाहते हैं वो ये देखिए कि आर कॉस थीटा बराबर चाहिए है -4, और आर साइन थीटा बराबर चाहिए कितना, 4√3, और आर कितना आ गया है, 8, आर आ चुका है 8, तो कॉस थीटा बराबर 4/8, और यहाँ से 8 जाएगा तो इतना आ जाएगा, समझ गए ना। हाँ भैया, 4√3 है / 8, ये देखिए। तो अब यहाँ से फीलिंग पकड़िए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपर्ट वाले कि भैया कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसी वैल्यू चाहिए है कि कॉस की वैल्यू आ जाए -1/2, और साइन की वैल्यू आ जाए कितना, √3/2, और ऐसा संभव है 120 डिग्री के लिए। तो ये बात मैंने उनके लिए कही है जो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपर्ट हैं, जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, अदरवाइज़ आप सीधे वाली ट्रिक जो मैंने बताई उसको यूज़ कर लीजिए। चलिए मित्रों, अगला सवाल टीजीटी का क्वेश्चन लिखिए।
पोलर फॉर्म में बदलिए, माइनस वन माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म लिख के बताइए जल्दी से, मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल, माइनस वन माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म रूट टू ब्रैकेट कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। सर गलत है, पाई बाई टू नहीं होगा सर, पाई बाई टू नहीं होगा सर, सर cos में 3 पाई बाय 4 और i sin 3 पाई बाय 4। अच्छा माइनस 3 पाई बाय 4, चलिए देखते हैं सर। तो √2 cos माइनस 135 + i sin माइनस 135। अच्छा देखिए सर, यहाँ पे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जाए तो z इक्वल टू है माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 इंटू i, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सर किस क्वाड्रेंट में है पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, हाँ माइनस वन माइनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो इसका फेजर होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए अब मैंने को बताना है अल्फा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बस आएगा, क्योंकि आपको सबको वो तो दिख चुका है रूट टू, तो बराबर कितना बताया था मैंने, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो वाई है माइनस वन और एक्स भी है माइनस वन, ये खुद ही कैंसिल हो गया, नहीं तो अपन कैंसिल कर देते, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो आंसर कितना आएगा भैया, जेड इक्वल टू आर यानी रूट टू माइनस थ्री पाई बाई फोर कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाई, नोट कर लीजिए यही इसका आंसर है सर। हाँ सर, इसमें जो i sin माइनस थ्री पाई बाई फोर है तो ये माइनस बाहर ले आइए, बिल्कुल ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया। अब इस cos का cos का एलिमिनेट कर दीजिए और sin इसका बाहर ले आइए तो ये माइनस बन जाएगा, है ना जी सर। चलिए सर, कोई भी सर क्वेश्चन पोलर फॉर्म में रहता है उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन ही आ जाता है। हाँ बड़ा अच्छा ट्रिक होता है, क्वेश्चन ही आ जाए और क्या, आ ही जाएगा, क्वेश्चन आ जाता है, सही वही आंसर से भी चेक हो जाता है। हाँ जी सर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन लिखिए, अगली ट्रिक लिखिए एपी की। आज मैं थोड़ा सा प्रोग्रेशन की तरफ आपको लेकर के चलूँगा, प्रोग्रेशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊँगा। तो पहला ट्रिक लिखिए, कि एपी की ट्रिक लिखिए, यदि किसी श्रेणी का एमवां पद एक बटे एन हो, समांतर श्रेणी का, और एनवां पद एक बटे एम हो, तो उस समांतर श्रेणी का एम एनवा पद कितना होगा, बताइए। वन होगा सर। बिल्कुल सही। तो याद कर लीजिए सर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, करने में टाइम लगेगा, दसवीं क्लास का क्वेश्चन है, कि अगर किसी श्रेणी का एमवा पद एक बटे एन हो और एनवा पद एक बटे एम हो तो इसका एम एनवा पद कितना होता है सर, एक होता है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन आया था भाई, पिछली बार आया था कि किसी श्रेणी का पांचवां पद एक बटे सात है और सातवां पद एक बटे पाँच है, अब पूछा गया था कि श्रेणी का पैंतीसवां पद क्या होगा, आंसर कितना होगा भैया, वन। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, अगली शॉर्ट ट्रिक लिखिए, यदि किसी श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q हो और समांतर श्रेणी का क्यूवां पद P हो, तो उस समांतर श्रेणी का P प्लस क्यूवां पद कितना होगा, जीरो होगा क्या सर। जीरो, बिल्कुल सही सर, नोट कर लीजिए। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पीवा टर्म क्यू है और क्यूबा टर्म पी है, तो इसका पी प्लस क्यूबा टर्म कितना होगा, जीरो। अब इसमें एक और रिजल्ट बनता है सर, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है तो श्रेणी का आरवा पद कितना होता है, आंसर नोट करिए, पी प्लस क्यू माइनस आर।
क्यों? अच्छा एक सेकंड मित्रों, ये तो बंद हो गया। तो देखिए सर, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में थे, मैं कह रहा था आपसे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है तो आरवां पद इसका होता है P प्लस Q माइनस R, नोट कर लीजिए। तो इसका जो आरवां पद होता है वो होता है P प्लस Q माइनस R, और इस तरीके से अगर आप R की जगह P प्लस Q रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q और माइनस का P प्लस Q, ये हो गया जीरो, तो श्रेणी का P प्लस Q का पद बराबर जीरो, इस तरीके से आता है, इसलिए ये अपन ने एक रिजल्ट बना लिया स्टैंडर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन TGD एग्जाम में आया हुआ है कि यदि किसी समांतर किसी गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय पद दो है, लिखिए यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो द्वितीय पद है भाई साहब वो दो है और इसके अनंत पदों का योग आठ है, इसके अनंत पदों का योग जो है आठ है, तो बताइए श्रेणी क्या होगी, सीरीज बताना है आपको कि सीरीज क्या निकलेगी। चलिए एक मिनट दिए मैंने आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे पास जीपी है सर, 1/2 आएगा सर, आर का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है सर, देखिए ये हमारे पास जीपी है सर, और ये हमारे पास जीपी है और ये जीपी है, तो इसमें हमको AR2 दिया है, तो हमें ऊपर AR बनाना है, तो R का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो AR, और नीचे हो गया R² - R = 8। अब AR की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे AR की जगह जो है AR की जगह मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 2, तो 2 क्योंकि सेकेंड टर्म मेरे पास 2 है, अपॉन R² - R = 8। ओके, R² - R = 8, तो यदि मैं यहाँ से काट दूँ इसको तो ये 4 हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, से ये फॉर्मूला एक तरीके से स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 4R² - 4R = 1। ओके, और यहाँ पे 4R² - 4R = 1, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, R² - 1, R का मल्टीप्लाई किया अपन ने, 1 - R होता है ना यहाँ पे, 1 - R होता है सर, एग्जैक्टली वही तो 1 - R होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R - R², और यहाँ पे भी हो जाएगा R - R², इसी की वजह से उल्टा हो रहा सर, और ये हो जाएगा 4R - 4R² = 1। तो ये क्वेश्चन मेरी उस तरफ जाएगी, तो 4R² - 4R + 1 = 0, तो इसको देखिए आपके पास ये क्या, ये है 2R - 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी 2R = 1। ओके, और R = कितना हो गया, 1/2। यस, तो R = हमारे पास 1/2 आ चुका है। अब AR = 2 है, AR = 2 है, और AR की वैल्यू 1/2 हो गई तो = 2, तो A = 2 आ गया मेरे पास, कितना, 4, तो मेरे पास A की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब देखिए मेरे को लिखनी है कि GP क्या होगी, तो मेरे पास A है 4, तो AR मेरे पास आ जाएगा 2, अगला टर्म क्या होगा मेरे पास 1, और अगला टर्म मेरे पास कितना होगा 1/2, तो ये GP का स्ट्रक्चर है जो आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन मैं पूरा पूरा आपको लिखवाऊंगा सर, ये माइक म्यूट कर लीजिए, डॉगी की आवाज़ आ रही है। तो मैसेज क्या आया भाई, गुड इवनिंग, यस रंजना जी गुड इवनिंग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है मित्रों, अगला क्वेश्चन पूरा पूरा लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना। क्वेश्चन है इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी जी पी एच पी, मतलब ये जो आंसर ये तीनों के लिए आपको देना है, ए पी के लिए भी, जी पी के लिए भी, एच पी के लिए भी, तीनों के लिए आपको देना है। तो बताना है सो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है बी अपॉन ए और वन और बी बाई सी, ऑप्शन नंबर बी है सी अपॉन ए और सी अपॉन बी और वन, ऑप्शन नंबर सी है ए अपॉन सी और ए अपॉन बी और ए अपॉन सी, ओके ये, एंड ऑप्शन नंबर डी है वन और ए अपॉन बी और सी अपॉन ए। तो ये ऑप्शंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का। तो ये आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चंस कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है, जी पी में है, एच पी में है, तो बताइए ए माइनस बी, बी माइनस सी किसके इक्वल होगा। ये आपके साथ ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को समझिए कि जो आंसर यदि मान लो ए आता है तो ए पी के लिए इसका रेशियो बी अपॉन ए को सपोर्ट करेगा, जी पी के लिए वन को सपोर्ट करेगा और एच पी के लिए बी अपॉन सी को सपोर्ट करेगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके जाना पड़ेगा, अगर आप घर से करके नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये सर, हाँ सर यार मैं अभी इसमें अपने चॉइस से बताता हूँ, ऑप्शन सी मुझे करेक्ट सर लग रहा है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन मेरी तरफ से सर, ऑप्शन हाँ। सी आपको कनेक्ट लग रहा है, ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है सर। सर आपका आंसर गलत है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है सर। देखिए सर इसका एक रूल याद करिए सर, इसका एक रूल याद करते हैं हम लोग सर। हमें जो पूछा गया है सर, देखिए हमें पूछा गया है a माइनस बी, ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन सर, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सर डी है। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी सर, डी है ऑप्शन। ऑप्शन दिखाऊं क्या, बार देख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल देखिए सर ये लिखिए ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। हाँ जी सर, हाँ जी चलिए सर। तो देखिए इसका इसका रूल याद करिए सर, इसका रूल होता है आपसे पूछा गया है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, तो आप एक एक बार, मैं कहूँगा इसको तीन बार आप लिख लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू, ठीक है ना, और एक बार a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। देखिए तो आपसे पूछा गया है कि ये रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर ए रखिए तीनों में, ए ए ए, और एक बार ए का डिवाइड करिए, एक बार बी का डिवाइड करिए और एक बार सी का डिवाइड करिए, और कुछ रिजल्ट निकल कर के आएंगे, उनको या तो डायरेक्टली याद कर लो या तो यहाँ पर जाके एग्ज़ाम में डायरेक्टली डिवाइड कर दो, पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए तो a अपॉन a तो 1 होता, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू, ये b प्लस बी यहाँ आ जाएगा, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये देखिए मतलब यदि ये a माइनस बी और b माइनस सी का रेशियो 1 है तो क्या देगा, ये ap देगा, क्योंकि 2b इक्वल टू a प्लस सी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ap की। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ba यानी ab माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये क्या देगा, जी पी, दिस इज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर रेशियो वन ए अपॉन बी है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देगा। तीसरा देखते हैं, अब तीसरा देखने के पहले मैं आपको एच पी का रिजल्ट बता देता हूँ। हरात्मक माध्य होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है हरात्मक माध्य, बीच वाला नंबर जो होता है
आजू बाजू वाले का मल्टीप्लाई का डबल और नीचे उन दोनों का योग सम। तो चलिए इधर मल्टीप्लाई कर देते, देखिए कितना आएगा, सी ए माइनस बी सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ए सी ए सी यहाँ ले आइए तो कितना हो गया 2AC और इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी। मित्रों बी कॉमन ले लें ए प्लस सी और यहाँ 2AC, तो ये कितना हो जाएगा बी इक्वल टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। नोट करिए, तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है ए पी जी पी एच पी। तो ए पी को सपोर्ट कौन कर रहा है 1, जी पी को सपोर्ट कर रहा है ए अपॉन बी और एच पी को सपोर्ट कर रहा है ए अपॉन सी। तो 1 ए अपॉन बी ए और क्या है सी अपॉन ए, सॉरी वहाँ पे ए अपॉन सी होना था, मैंने गलती से सी अपॉन 1 ए और ए अप, मैंने इस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिया, इसको सही कर लीजिए ए अपॉन सी है। हाँ तो 1 ए अपॉन बी और ए अपॉन सी अब सही है, ऑप्शन मैंने मिस्टेक लिखे, बाकी सब कुछ सही है। तो 1 ए अपॉन बी एंड ए अपॉन सी, इसको एक बार स्क्रीन फिर से कर। हाँ सर बिल्कुल ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए सर, ठीक है। अच्छा ये सब में ए पहले में ए से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसीलिए मैंने कहा इसको आपको घर से पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप इसको करके, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको करा होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा सर। ए पी जी पी के क्वेश्चन देखिए सर, या तो ट्रिक से सॉल्व होते हैं और या तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद हैं तो होते हैं सर, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ए पी जी पी एच पी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हद तक परेशान कर देते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें मित्रों, क्लियर है यहाँ तक की क्लास पूरी। जी सर। हाँ जी सर, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके अगला सवाल लिखिए, यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का, यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का हार्मोनिक मीन साइन बीटा है, अगर साइन अल्फा और कॉस अल्फा का, इफ़ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा हैं, इसका जो हार्मोनिक मीन है वो कितना है साइन बीटा, और इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है साइन थीटा है, तो कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा सही है, सही है आपको बताना है, तो कौन सा सही है आपको। तनिष्का आप क्लास में हैं बेटा, माइक ऑन करके हेलो हाय बोलिए अगर क्लास में हो प्लीज़ आप। तो ओके देखिए, अगर आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा है और हार्मोनिक मीन साइन अल्फा कॉस अल्फा का क्या है साइन बीटा, तो आपको कहना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर ए क्या दिया था एग्जाम में, स्टेटमेंट नंबर ए दिया था 2√2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4 साइन बीटा इक्वल टू साइन 2α, ये पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कितना, √2 साइन थीटा बराबर कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई 4। ट्रिग्नोमेट्री प्लस प्रोग्रेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है ये, सॉरी प्रोग्रेशन का सीक्वेंस का मिक्स क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्या दिया, हार्मोनिक मीन साइन बीटा है भाई, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा का, तो साइन बीटा बराबर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2α, ठीक है भाई साहब साइन 2α। अब देखिए हम क्या करते हैं, साइन बीटा हम क्या करते हैं √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन √2 करना पड़ेगा इक्वल टू साइन 2α। यदि मैं √2 आगे लिख लूँ √2 साइन बीटा और इसे मैं लिखूँ 1 साइन अल्फा इंटू 1√2 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1√2 इक्वल टू साइन 2α, ये क्या बनेगा √2 साइन बीटा साइन अल्फा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस अल्फा साइन पाई बाई 4
इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है? साइन ए प्लस बी की, मतलब अंडर रूट टू साइन बीटा, साइन बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू साइन का टू अल्फ़ा। देखिए हमें क्या यही प्रूफ करके लेके आना था, ज़रा देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यही था क्या, अंडर रूट टू साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई फोर इंटू साइन बीटा इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा। अंडर रूट टू साइन बीटा मैंने बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा, बिल्कुल सही, मतलब स्टेटमेंट वन सत्य है। अब चलिए स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट टू के लिए हमें क्या दी गई है कंडीशन, एक कंडीशन देख लीजिए। पहले कंडीशन कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन साइन थीटा है, किसका, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का। तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का अर्थमेटिक मीन बराबर साइन थीटा, ठीक है भैया, ये लो। अब ये तो खुली आंखों से दिख रहा है कि भैया टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूँ, ओके। और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन रूट टू इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा। अब ये देखिए ज़रा मित्रों, यहाँ पे मैं साइन अल्फ़ा इंटू वन बाई रूट टू कर दूँ और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू वन बाई रूट टू कर दूँ इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा। वक्त की ज़रूरत को समझते हुए मैं साइन अल्फ़ा इंटू साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस पाई बाई फोर इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा। आप लोग फार्मूला जानते होंगे, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा। चलिए देखते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा, मतलब स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। मित्रों बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ चलिए, तो ठीक है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सभी को क्लियर है, एक बार कॉन्फिडेंस वाली आवाज़ में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, चलिए। यस सर। हाँ, जहाँ ना हो प्लीज़ बताइए, मैं तेज पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके डाउट नहीं क्लियर करूँगा, है ना, मैं ज़रूर डाउट क्लियर कर दूँगा, आप बस पूछिए मेरे से, और कहीं स्पीड होती है तो बता दिया करिए, है ना। ये मेरा अंदाज़ा है कि सभी लोग की इतनी प्रैक्टिस तो कम से कम हो जाती है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मित्रों, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का विचार करना, लॉन्ग ट्रिक पे मत जाना, धोखा हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ ए एम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर टू नंबर आर फाइव रेशो थ्री। तो नंबर क्या होंगे, तो आपको बताना है नंबर क्या होंगे, आपके नंबर का रेशियो क्या होगा। तो वो नंबर जैसे ए रेशो बी हैं तो उनका रेशियो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3:5, ऑप्शन नंबर बी है 9:1, ऑप्शन नंबर सी है 2:9 और ऑप्शन नंबर डी है 5:3। ये आपको बताना है कि अगर दो नंबर के कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के, सर कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी सरल मेथड में आपको बता रहा हूँ सर। देखिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का अनुपात आपको चाहिए है। आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है ए प्लस बी बाई टू, हाँ या ना, है ना सर, है ना। तो ए प्लस बी बाई टू 5 आ रहा है और अंडर रूट ए बी कितना आ रहा है सर, 5/3, तो 3 आ रहा है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका ए प्लस बी बाई टू 5 आ जाए। तो देखिए 9 और 1 10 का आधा 5 होता है ना, 2 और 9 का आधा 5 होता नहीं है, इसका आधा 5 होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है सर। बाकी जोड़ करके देख लेते हैं, 9+1/2 अनुपाते अंडर रूट 9 × 1, तो भैया ऊपर 5 और नीचे 3। और बाकी कंपोडेंडो डिविडेंडो वाला मेथड तो होता ही है सर, मगर वो मेथड काफ़ी बड़ा है इसकी तुलना में, तो आप क्या करेंगे सीधे ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है सर। हाँ सर, बहुत समय आपकी बहुत अच्छा है सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई सर, एक बार बोलिए सर फिर से। सर
नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही सर आपकी आवाज़। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला शॉर्ट ट्रिक लिखिए मित्रों। अगर आपके पास कोई एपी है, अगर आपके पास कोई एपी है तो उसके एन पदों का जो योग होगा मित्रों वो एन स्क्वायर में बनेगा, और वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ए एन प्लस बी एन स्क्वायर। अब अगर आपको एपी के एन पदों का योग दे करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सर्वांतर क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको मित्रों कुछ नहीं करना है, सीधे एस एन बराबर ए एन प्लस बी एन स्क्वायर है, ये आपके पास एपी के एन पदों का योग है और आपसे पूछा गया है कि इसका सर्वांतर क्या है, तो आपको एन स्क्वायर का जो गुणांक है उसको सीधा सीधा डबल कर देना है। तो उत्तर कितना होगा भैया, टू बी, उत्तर कितना, कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल सही सर, इसका उत्तर होगा टू बी, अगर इस फॉर्म में रहेगा तब, बिल्कुल सर इसी फॉर्म में मिलेगा। देख लीजिए, मान लीजिए कोई एपी है आपके पास में जिसका सम ऑफ एन पद दिया है 2n प्लस 5n स्क्वायर, और आपसे पूछा गया इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो 5 का डबल कर दीजिए, 2 गुणा 5 मतलब 10, ये करना है आपको। वो सब नहीं करना है कि पहले टर्म बनाइए वो फार्मूला लगा के, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस, क्या सर, अगर 4n स्क्वायर माइनस 1 रहे तो 8 आएगा, तो भी तो 8 आएगा सर, n स्क्वायर पकड़िए ना उससे सर, माइनस 1 कभी नहीं होगा, माइनस n होगा, n का टर्म भी होगा, n भी पक्का रहेगा तभी एपी बनेगा, है सर, हाँ n का एक सिंगल टर्म और एक डबल टर्म होगा तभी एपी बनेगा। एन स्क्वायर बाई टू प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू रहे सर तब, चलिए सर क्या कह रहे हैं, ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू, ऐसा कह रहे हैं सर, और प्लस कुछ में टू एन वन तो रख दीजिए तभी तो ए पी बनेगा, आया ना जी। चलिए तो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा सर, आया ना, इसका टू टाइम्स एन ए प्लस बी, हाँ तो इसका आएगा ए प्लस बी। चलिए अगला प्रश्न लिखिए सर, अगली शॉर्ट ट्रिक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है, यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, देखिए मैंने पहले आपको बताया था किसके लिए, उसके लिए टर्म के लिए, अब मैं सम के लिए बता रहा हूँ, हाँ तो देखिए अगर समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है तो समांतर श्रेणी के m प्लस n पदों का योग जीरो होगा, ठीक है ना, और यही लगा था कि इसमें टी पी बराबर क्यू है और टी क्यू बराबर पी है, तो पी प्लस क्यूवा पद भी कितना होता है, जीरो, मतलब पद भी जीरो और योग भी जीरो, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है सर। कोई एक सम होता है ना सर, उसमें आता है या मैन ब्रैकेट में या मैन प्लस वन बाई टू, हाँ हाँ हाँ, अब वो आएगा ना सर, अभी आएगा, वो तो अभी आएगा, बहुत कुछ आना है सर, अभी आएगा, आप कह रहे हैं एन नेचुरल नंबर का योग। चलिए सर अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल देखिए सर आपके सामने, सवाल क्या है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, एक बटा दो प्लस तीन बटा चार प्लस सात बटा आठ प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपके पास में दिया गया है कि प्रथम एन पदों का योग, के प्रथम एन पदों का योग किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है टू की पावर एन माइनस एन माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी है वन माइनस टू की पावर माइनस एन, ऑप्शन नंबर सी है टू की पावर माइनस एन प्लस एन माइनस का वन, ऑप्शन नंबर डी है टू की पावर एन माइनस वन। देखिए तो आपके पास सीरीज अच्छे से वॉच कर लीजिए सर, एन सर, हाँ सर, सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं, बहुत कट कट के आ रही सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए सर ये आपके पास सीरीज है सर, टू टर्म्स ले लें हम इसमें
सर 1/2, 3/4, 7/8 है, 15/6 है, अगला टर्म इसमें 15/6 है, 15/16 है, आपको पूछा गया है इसके प्रथम एन पदों का योग। आइए देखिए सर, ये तो क्वेश्चन है ना सर। हाँ सर, माइनस करना पड़ेगा। हाँ इसलिए सर क्वेश्चन है ना, 1/2 माइनस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही सर, वैसे ही कुछ कुछ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1-1/2 प्लस 1-1/4 प्लस 1-1/8 और प्लस 1- कितना 15/6 मतलब 1/16 ... देख ठीक है, n पदों का योग। तो देखिए पहले पद में 1 एक बार, दूसरे पद में 1 एक बार, तीसरे पद में 1 एक बार, चौथे पद में 1 एक बार, तो मतलब 1+1+1+1 कितने बार आएगा, n बार। और इसके बाद देखिए माइनस लगा करके कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ... n पद। देखिए आपके पास में ये कितना हो गया n, और ये क्या बन गई अपने पास, जीपी बन गई है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो n माइनस फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, a r की पावर n 1/2 की पावर नहीं, 1-r की पावर n लगेगा, 1-। नहीं सर, r का वैल्यू नहीं सर, सुनिए ना, r का वैल्यू 1 से छोटा इसलिए 1-r का पावर n लग रहा है, अपॉन 1-1/2। तो देखिए 1-1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, n माइनस 1-1/2 की पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -n, इसको फोड़ फाड़ दीजिए तो n ये हो गया प्लस 2 की पावर -n और माइनस का 1। तो आंसर देखिए जी कौन सा होगा, इसका आंसर 2 की पावर -n प्लस n माइनस 1, मतलब आंसर क्या है, सी है, इसका आंसर सी है। अब आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्ट ट्रिक है ये देखिए, ये सीरीज के n पदों का योग दिया है, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो एक पद का योग निकल आएगा s1, और s1 कितना आ रहा है भैया, 1/2। अब चारों ऑप्शन में n की जगह 1 डालिए, आइए फर्स्ट में डालते हैं तो 2 की पावर 1 -1 -1 यानी 2-2 = 0 हो गया, मतलब नहीं आया 1/2। अगला देखिए 1-2 की पावर कितना, 1/2, तो यानी 1-√2 कितना, 2 की पावर कितना, 1, n की वैल्यू 1 लिया ना, हाँ 1-2 की पावर -1 आएगा, सॉरी 1-2 की पावर -1 यानी 1-1/2 बोले तो 1/2, ठीक है आपका 1-2 की पावर n की जगह -1, n की जगह अपन ने 1 डाला है, 1 डाला तो मान लेना पड़ेगा सर हमें, सर इट शुड बी n = 2। हाँ सर देखिए 1 पे, और देखिए अगले पे डालिए तो 2 की पावर n की जगह आएगा तो -1 और प्लस 1 और -1, तो ये कैंसिल हो गया तो 1/2। अब देखिए हो क्या रहा है, ये ऑप्शन दोनों टाई हो गया, ऑप्शन दोनों क्या हो गया, टाई हो गया। तो अगला आप एक काम करिए n = 2 डाल के देख लीजिए, तो जब आप n = 2 डालेंगे तो आपका ये वाला आंसर मैच नहीं करेगा, केवल आपका ये वाला आंसर मैच करेगा। मित्रों समझ में आ गया जी सर? हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा यही बस लफड़ा रहता है कि अपन को चेक करना पड़ता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही तूफानी है, हिला के रख दिया यूपी टीजीटी वालों को। ऐसी कितनी गुणोत्तर श्रेणी संभव हैं, ऐसी कितनी जीपी संभव हैं जिनके पदों में से 3 पद, जिनके पदों में से 3 पद 27, 8, 12 हैं। चलिए बताइए ऐसे कितनी जीपी संभव हैं जिनके पदों में से 3 पद 27, 8, 12 हैं। ऐसी कितनी जीपी संभव हैं जिनके पदों में से 3 पद 27, 8, 12 हैं। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 1 केवल और डी नन।
मित्रों यही घुमा दिया था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। अब देखिए ऐसी कितनी जीपी संभव हैं जिनमें ये तीन पद 27, 8, 12 हैं। देखिए ध्यान से यहाँ कोई क्रमागत नहीं बोला है कि क्रमागत पद, मतलब ये पद कहीं भी आ सकते हैं पूरी जीपी में जिनके तीन पद 27, 8, 12 हैं, मतलब ये कहीं भी आ सकते हैं, कोई क्रम से आएंगे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये पहले पे आ जाए, ये चौथे पे आ जाए और कोई उसके बीच में आ जाए, तो आंसर है इसका अनंत श्रेणी बन सकती है, मतलब इसका आंसर था डी। अगर ये बोलता क्रमागत तब दिमाग लगाना पड़ता है ना, तब दिमाग लगाना पड़ता कि ऐसी कितनी जीपी संभव है, ठीक ना। तो एक तरफ से बढ़ती है जीपी और एक तरफ से घटती है, अगर क्रमागत बोलता तो इसका आंसर होता 2 जीपी, क्योंकि अगर आप लिखेंगे 1, 2, 4 एक जीपी है, तो भैया 4, 2, 1 भी तो एक जीपी बनेगी, आया ना, उस समय उसका उत्तर 2 आता। मित्रों बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो यहाँ पर क्रमागत नहीं है, मतलब टर्म कहीं भी, अटर सटर कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसका आंसर था अनंत। तो अनंत जीपी इन पदों को लेके बन सकती है। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, बड़ी आवाज़ कम आ रही, कितने लोग जुड़े हैं? 9 लोग जुड़े हैं भाई, अरे बड़ी बढ़िया क्लास चल रही भाई, काफ़ी लोग जुड़े हैं आज तो, और लगातार बने हुए हैं, सबसे अच्छी बात ये है। चलिए मित्रों तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए पहले आप, अगला सवाल है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है तो ए अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी किस श्रेणी में होंगे? ऑप्शन ए है ए पी में होंगे, बी जी पी में होंगे, सी एच पी में होंगे और डी किसी में नहीं होंगे। ये 4 ऑप्शन दिए थे यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो और सी बराबर 3 मान लो। अब पुट कर दो यहाँ पे ए अपॉन बी सी, यानी 1 अपॉन 2 3 6, 1 अपॉन सी। बी सी का मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो, हाँ बी सी का मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, बी सी का मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो सर ए पी में आएगा आंसर। बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए पी में आएगा, कैसे आएगा सर? बी सी का मल्टीप्लाइड करेंगे। अच्छा अच्छा हाँ चलिए सर, हाँ, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। क्या बात है सर, बहुत छोटा आपने लॉजिक कर दिया, बिल्कुल सही बात है सर। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ये किस में होंगे, बिल्कुल सही बात है सर। तो ए अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी जो होंगे, अगर बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, सही बात है। और अगर ये किसी भी सीरीज में हो, ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब ये भी किस में होंगे, ए पी में। परंतु यदि मान लीजिए यहाँ पर तो दिख गया है, और परंतु मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता तो क्या करते आप, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ए अपॉन बी सी कितना बनता, 1/6, ये कितना 1/3 और ये कितना 1/2। अब दोनों का आप कॉमन डिफरेंस निकाल करके देख लीजिए, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1/3 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 2/6 यानी 1/3 और इसका भी आएगा 1/3, मतलब ये किस में है, ए पी में है, और बाकी सर ने जो बताया वो तो है ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखे क्वेश्चन, यदि समीकरण x³ - 12x² + 39x और -28=0 के मूल ए पी में है, के मूल ए पी में है तो डी ज्ञात कीजिए, डी मतलब सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ए पी का सर्वांतर क्या होगा। चलिए देखिए इसके मूल ए पी में है, तो अगर ए पी में है इसके तीन मूल होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा ए पी में है तो क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ये लेते हैं ए और ये लेते हैं ए प्लस डी, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो गया,
यानी 3a बराबर माइनस और माइनस का माइनस 12 अपॉन a, यानी 3a बराबर 12, तो a बराबर आ गया कितना 4, ये आ गया। अगली रिलेशनशिप होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा अपने पास कितना भैया ए माइनस डी, यानी कि कितना 4 माइनस डी। ओके तो अपन इसको डायरेक्टली लिखते हैं, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो माइनस और एक माइनस मतलब 28, ये हो गया। और a माइनस डी ए प्लस डी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28 बटे a, और a की वैल्यू आई है 4, तो 4 से कितने बार कैंसिल 7 बार। अब a का स्क्वायर यहाँ पुट कर दिए तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 7 बराबर 9। मित्रों d बराबर प्लस माइनस 3 इज़ द आंसर। बताइए क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? जी सर, जी सर। हाँ, मूलों की रिलेशनशिप पता है सभी को? त्रिघात में मूलों की रिलेशनशिप पता है कि नहीं पता? जी जी पता। अल्फा प्लस बीटा यदि प्लस बता देता हूँ माइनस बी अपॉन ए क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है भैया सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए। हाँ जी, डी अपॉन ए। चलिए भैया बहुत बढ़िया क्लास जा रही है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला सवाल है, यदि इफ अल्फा इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अगर अल्फ़ा जो है दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है, एंड बीटा एंड गामा आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज टू नंबर, और दो नंबर के बीच के ज्योमेट्रिक मीन क्या है बीटा गामा, अल्फ़ा क्या है अर्थमेटिक मीन, तो आपको बताना है कौन सा संबंध सत्य होगा। ए ऑप्शन है बीटा बटे गामा प्लस गामा बटे बीटा बराबर टू अल्फ़ा, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन अंडर रूट बीटा गामा बराबर अल्फ़ा। सी ऑप्शन बीटा प्लस गामा बराबर टू अल्फ़ा। और डी ऑप्शन बीटा स्क्वायर अपॉन गामा प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल टू टू अल्फ़ा। चलिए ये सवाल आपके सामने दिया गया है, तो देखिए ज़्यादा जानकारी किसमें गई है बीटा गामा में, और ये क्या है जीएम है, तो एक सीरीज ले लीजिए जिसमें इनको हम ज्योमेट्रिक मीन दिखा दें। तो हमने एक ज्योमेट्रिक मीन ले ली, एक दो चार छः आठ ये ले ली। तो भैया देखो इसको मान लो बीटा, इसको मान लो गामा, क्योंकि ये दोनों के बीच के दो ज्योमेट्रिक मीन हैं। और अगर यही ये नंबर क्या बन गया अपना, ये नंबर बन गया अपना इन दोनों के बीच के, ये मेन नंबर बन गए अपने दो और आठ, इनके बीच के ये दो हो गए ज्योमेट्रिक मीन। और अगर इनके बीच के अर्थमेटिक मीन की बात करूँ मैं तो क्या होंगे अर्थमेटिक मीन इसका कितना होगा भैया, अर्थमेटिक मीन, एक मिनट गलती कर दी मैंने भैया, ज्योमेट्रिक मीन सीरीज मैंने गलत ले ली है भाई, दो चार के बाद आएगा चार दूनी आठ आएगा भाई साहब, चार दूनी आठ और आठ दूनी 16, तो ये बनेगा गामा। चलिए और अर्थमेटिक मीन कितना बनेगा, इन दोनों का योग 2 + 16/2 यानी कि 9, 18/2 यानी कि 9। तो अल्फ़ा क्या मिल गया 9, और बीटा गामा क्या मिल गए 4 और 8। अब आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है, आइए पुट करते हैं वन बाई वन, देखते हैं कौन सा रिलेशन सही है। फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में बीटा है 4, गामा कितना है 8, गामा है 8 और बीटा है 4, तो भैया ये बन गया 1/2 और ये बन गया 2, तो भैया ये बनेगा 5/2, बट आना किसके इक्वल चाहिए 2 अल्फ़ा, यानी 9 का डबल 18 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया। दूसरा अंडर रूट बीटा गामा बराबर अल्फ़ा, तो बीटा कितना आया है 4 और गुणे 8 बराबर 32 होता है अंडर रूट 32, जो कि 9 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरा बीटा प्लस गामा बराबर 2 अल्फ़ा, तो बीटा अपने पास है 4 और गामा अपने पास है 8, 8 × 4 = 12 बराबर 2 अल्फ़ा यानी 9 × 18, ये भी सही नहीं है, मतलब ये भी गया।
लास्ट डी ऑप्शन बचा वही सही होगा, मगर पुट के आपकी तसल्ली के लिए पुट कर देता हूँ। बीटा स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16/गामा यानी 8 प्लस गामा स्क्वायर यानी 8 = 64/बीटा 4 ठीक है ना। इक्वल टू कितना आना चाहिए 2 अल्फ़ा यानी 9 × 2 = 18 देखते हैं भैया 8 × 2 = 16 और 16 × 64 16 × 2 = 18 यानी 18 तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। नोट करिए ओके नोट करिए। अगली ट्रिक लिखिए मित्रों। लाइव बने हुए हैं कि नहीं बने हैं? हाँ हूँ कुछ तो बोल दीजिए। जी सर। हाँ जी सर। जी सर समझ सर। में आ रहा है मित्रों? जी जी, जी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है इन एन एच पी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। अगर एच पी में एनवा पद एन है और एनवा पद एम है, एमवा पद एन है और एनवा पद एन है, तो भैया एच पी का आरवा पद होता है एम एन बाई आर। नोट कर लीजिए अगर एमवा पद एन है और एनवा पद एम है तो जो आरवा पद होता है वो होता है कितना? एम एन बाई आर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि आरवा पद क्या होगा। अब आइए देखते हैं कि इसका उपयोग कैसा हुआ। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन आया कि अगर किसी एच पी का पांचवा पद 7 है और 7वां पद 5 है तो बताइए कि उस एच पी का 35वां पद क्या होगा। बताइए मित्रों क्या होगा, बोलिए। एक सर। एक होगा भैया, क्योंकि भैया अपन ने बताया एम एन बाई आर और आर की जगह अपन 35वें पद की इंक्वायरी कर रहे हैं और 7 और 5 का गुणनफल 35 तो 35/35 बराबर कितना? 1। एक। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण ए माइनस, हाँ जी बिल्कुल लिखिए। अभी ग्रुप में ये पीपीटी मिल जाएगी पूरी, दे दूंगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन, अगर समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर 0, ये आपके पास एक समीकरण दिया गया है के मूल समान हैं तो बताइए ए बी सी क्या होगा। ए बी सी किस में होंगे एपी में, जीपी में, एचपी में? आइए देखते हैं सर। एपी में। ठीक है देखते हैं सर कैसे। तो सबसे पहले देखा करिए सर, किसी भी इक्वेशन के गुणांकों को जोड़ करके क्या 0 बन रहा है? तो यहाँ एक गुणांक क्या है? a माइनस बी, दूसरा है c माइनस ए और तीसरा है b माइनस सी। तीनों को जोड़ करके अगर गुणांक 0 बन जाए, इसका मतलब अगर जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल पक्का 1 होगा। एक मूल क्या होगा भैया? 1। आया समझ में कि नहीं आया? ये फिक्स केस होता है सर। फिक्स केस होता है, आप पुट करके देख लीजिए ना, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो तो 1 रखने पर ही तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। हाँ या ना? जी सर। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मतलब इसका एक मूल 1 होगा। अब आप कहते हैं मूल समान है, मतलब पहला मूल अल्फा तो 1 था ही, दूसरा बीटा भी 1 हो गया, तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 1 + 1 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? सी माइनस ए का उल्टा ए माइनस सी, और इसका कितना हो जाएगा? ए अपॉन ए यानी ए माइनस बी। इसको इधर यहाँ ले आइए तो कितना हो जाएगा? 2 times a - b, तो 2 times a - b 2a - 2b इक्वल टू ए माइनस सी। ओके और इधर लेकर के आइए a, 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a प्लस सी बराबर कितना हो गया? 2b, अर्थात a b c किस में होंगे? समांतर श्रेणी में। ऐसा सर जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखे हैं कहाँ सर? हाँ उसके बाद देखिए सर, एक मूल 1 हो गया, बोलिए। हाँ
जी और क्वेश्चन में कहा है कि मूल समान है, मतलब एक मूल वन है तो दूसरा भी तो वन होगा। है वो तो ठीक है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है ना आपने। हाँ, जो ऊपर दिया है। हाँ, उस केस से मतलब ये अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे उसका a ये बनेगा ना, उसका b ये बनेगा, उसका c ये बनेगा, तीनों को जोड़ के जीरो हुआ तो। अच्छा ठीक ठीक, एक को a माना, एक को b माना, एक को c माना। बिल्कुल सर, है ना, उसमें कंफ्यूज ना होइए। ये इस a इस b की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो टोटल की बात कर रहा हूं। है ठीक ठीक, चलिए अगला। समझ में आ गया सभी को मित्रों पिछला क्वेश्चन? मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ट्रिक लिखिए कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, अगर तीन नंबर का स्क्वायर अगर ए पी में ले लिया जाए तो आप ट्रिक के लिए जो नंबर मानेंगे वो क्या लेंगे, एक, 25 और कितना, 49। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर आपके एपी में है तो नंबर होंगे 1, 25, 49, मतलब ए स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर बराबर 25 और सी स्क्वायर बराबर कितना, 49। इसका मतलब ए बराबर 1, बी बराबर 5 और सी बराबर 7। क्यों, 1 और 25 का गैप कितना है 24 और 25 और 49 का गैप कितना है 24। तो इस तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बन रहे हैं, एपी में बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यदि बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए होंगे काय में, कोई ए पी, जी पी, एच पी या कोई नहीं। आइए देखते हैं। तो भैया जब आप ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा 1, ए स्क्वायर क्या बनेगा 25 और सी स्क्वायर क्या बनेगा 49। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी, तो ये 1 कर दो, ये 1 कर दो। ए की वैल्यू क्या निकलेगी 5, तो ये 5 प्लस 1 और ये प्लस 5। और सी की वैल्यू क्या निकलेगी 7, तो ये भी 7 और ये भी 7। तो नंबर क्या हो गया अपने पास 6, 8 और 7, 5, 12। तो अब देख लो भैया ए पी में तो नहीं है, ए पी में नहीं है ये तीनों नंबर, क्योंकि 6 और 2, 8 होता है और 8, 4, 12 होता है। जी पी के लिए देखो 8 का स्क्वायर जो होना चाहिए 6 × 12 के बराबर होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 12 छंग होता है 72, मतलब भैया जी पी में भी नहीं है। अब तीसरा बचता है एच पी। एच पी का फॉर्मूला होता है बी बराबर 2ac/a+c। चेक करते हैं तो बी यानी बीच का नंबर 8, 2 × 6 × 12 / 6√12 यानी कि 18। काटते हैं 2 × 18, ओके, और 3 × 2 = 3 तो 8 = 8 आ गया। इसका मतलब ये किस में होंगे, एच पी में होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, सर तो ये हमारी सीरीज जो होंगे एच पी में होंगे इस प्रकार से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तो ए अपॉन बी सी, 1/c और 1/b किस में होंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना अभी। अच्छा, ए बी सी का, इसमें बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया था ना सर? हाँ। ये वही है कि अलग है? वही है क्वेश्चन सर, बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और सी बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सर इसको यूज करने पर, बी सी से मल्टीप्लाई करने पर ये एपी में ही आ गया था। चलिए तो ये रिपीट हो गया गलती से। तो ठीक है मित्रों, आज 11:04 हो चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज हमारी ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक स्पेशल क्लास लग गई।